उनके बाबा के भाई को नशा चढ़ गया। मैं तो उनसे भी नाराज ही हूँ, बरात के वहां उसको हाथ पैर तोड़ देते भाई। वो माँ बहनों को खाली दे रहा था, माँ बहनों का सम्मान के लिए तो कुछ भी कुर्बानी देनी पड़ जाए, देश की एकता रीति रही है। बागेश्वर बाबा के भाई का नशा उतारेगी भीम आर्मी। आप किसी से मत घबराएं। दूसरा, मुझे इस बात का दुख है कि उस दिन उसके हाथ पैर तोड़ देने चाहिए थे जब वो इस तरह से गालियां दे रहा था। एमपी में बागेश्वर बाबा बनाम चंद्रशेखर आजाद। कोई उनसे पूछे किससे लड़ा रहे असल में, हमारे तो लोग लोहा से कोई से ज्यादा खतरनाक है, बताओ। भीम आर्मी का ऐलान जंग। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र किशन शास्त्री के छोटे भाई शालिग्राम ने हाथ में तमंचा लेकर दलितों के कार्यक्रम में खूब बवाल मचाया। इसके बाद ये मामला अब उस पर भारी पड़ने जा रहा है। SC ST एक्ट की धाराओं में पहले ही केस दर्ज हो चुका है और पुलिस शालिग्राम की तलाश कर रही है, लेकिन अब भीम आर्मी ने भी धीरेन्द्र किशन शास्त्री और उसके छोटे भाई के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। खुद भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने कमान संभाली है और वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिग्राम पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। भीम आर्मी ने पीड़ित परिवार से भी बात की, फोन पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए खुद भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने पीड़ित परिवार से भी बात की और उनको हौसला दिलाया कि वो इस मामले में कार्रवाई करने तक चुप नहीं बैठेंगे। सुनिए उन्होंने क्या कहा। आप बेफिक्र रहें, पहली बात तो आप किसी चीज का डर भय ना रखें। ऐसे नकली डोंगी बाबा साबा बहुत देखे हम लोगों ने, ठीक है, आप किसी से मत घबराएं। दूसरा, मुझे इस बात का दुख है कि उस दिन उसके हाथ पैर तोड़ देने चाहिए थे जब वो इस तरह से गालियां दे रहा था। वो गुंडे की उसकी इतनी हैसियत होगी कि वो हमारे लोगों को गालियां देगा, उससे पूछ के, भारत आजाद है, भारत में संविधान है, उससे पूछ के हम लोग शादी करेंगे, उससे पूछ के जो गाने बजेंगे, जो हमारा बनाएगा संवैधानिक रूप से वो करेंगे, वो कौन होता है रोकने वाला। तो आप परेशान ना हो, ये सब लोग आपके पास आए हैं, ये आपको यही बताने आए हैं, आप अकेले नहीं हैं, हम सब लोग आपके पास साथ हैं। हमने उनको 48 घंटे का समय दिया पुलिस को कि वो लोग उसको गिरफ्तार करें। अगर वो 48 घंटे में गिरफ्तार नहीं करेंगे तो फिर हम अपनी रणनीति तय करेंगे और छतरपुर आएंगे। उसके इन पाखंडियों की आंख से आंख मिला के वहीं आके बात करेंगे, इनसे पूछेंगे ये कौन है हमारे लोगों को मारपीट करने वाले, गाली देने वाले। आज के बाद कभी वो जो है वो पाखंडी नशेड़ी आज के बाद आपको दिखाई नहीं देगा, आप चिंता मत करना। वो इतना बलवान है तो अब आए सामने, हम उसका इलाज करेंगे, हम बताएंगे उसको किस तरह से जो है ना माँ बहनों को गालियां दी जाती, मारपीट की जाती है। आपके अपमान का बदला लेंगे, आप चिंता मत करो, उसको सजा दिला के। आप अकेले नहीं है, डरना घबराना नहीं किसी से, सारी लड़ाई हम लड़ेंगे, आप चिंता मत करो, ठीक है। आप देखना वो आपके पैरों में पड़ के नाक रगड़ के जो है माफी मांगेगा आपसे, और उसको सजा भी होगी, आप चिंता मत करो, ठीक है। किसी और बहन बेटी के शादी में ऐसा ना करे, ऐसे निकम्मे लोग, ऐसे गुंडे, उनको सबक सिखाना जरूरी है। इस आपके इस मामले को लेके सब लोगों में गुस्सा है, सब लोग आपसे आपको वो कर रहे हैं कि भाई आप लड़ाई लड़े तो हम साथ हैं। अब आप देखना आपकी लड़ाई कितने लोग लड़ने के लिए। चंद्रशेखर आजाद लगातार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और उसके भाई पर हमला बोल रहे हैं, खासकर जब से वो वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है जिसमें हाथ में तमंचा लेकर और सिगरेट से धुआं फेंकते हुए दलितों के साथ मारपीट और उन्हें धमकाता हुआ दिख रहा शालिग्राम वीडियो में अपनी बेखौफ अंदाज में दलितों को धमका रहा है। उसके बाद से तो भीम आर्मी ने बेहद सख्त रुख अपनाते हुए चंद्रशेखर आजाद की अगुवाई में पूरे MP में विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर ली है। एक वीडियो क्लिप में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद कहते सुने जा रहे हैं कि बाबा है, अपना परिवार नहीं सुधार पाया, उसकी गुंडागर्दी का अब इलाज होगा। सुनिए। अभी एक कोई धाम पड़ता है छतरपुर में, उनके एक बाबा के भाई को नशा चढ़ गया, वो जाके हमारे अहिरवार समाज की एक जो शादी हो रही थी वो शराब के नशे में, बताओ बाबा है अपना परिवार नहीं सुधार पा रहे, वो शराब के नशे में और सिगरेट मुंह में और पर वो एक असला लेके
बताओ कोई उनसे पूछे किससे डरा रहे हो असली से? हमारे तो लोग लोहा से लोहे से ज्यादा खतरनाक है, बताओ किनको डरा रहे हो असली मसले लेके, ये बताओ। इससे बड़े बड़े असली तो हमारे माताएं बहने खेत में घास काट देती है, जिन असलों को दिखा के बताओ। तो वो जाके असला दिखा के और वो गालियां दे रहा है, तो गुंडा हमारे लोगों को गालियां दे रहा है गाना बजाने पे। क्या तो उनके हिसाब से चलो, वरना वो हमें अब हमारी बेटियों की शादी भी नहीं करने देंगे, वो गुंडा ये कह रहा है। और उसने फिर दिया, अभी मेरे रास्ते में आते उनके पिताजी से बात हुई, उन्होंने कहा हमने उनसे हाथ जोड़ कहा कि महाराज जी ऐसा मत करो, बिटिया के शादी का मामला, सम्मान का मामला, तो उसने उसको थप्पड़ मार दिया। बताओ उस गुंडे कितनी औकात की हैसियत होगी, बताओ हमारे लोगों को पीट रहा है। वो तो मैंने छूट भी दी इनको भीम आर्मी के लोगों को, वरना उसमें घुस पड़ते थे। क्या उसका दिमाग खराब हो गया है देखो। लेकिन नया सुनो कि वो पुलिस उस गुंडे को मारने के बजाय कह रही है कि वो असला नहीं था, वो तो टोस्ट थी। बताओ यानी कि पुलिस किसकी सुरक्षा कर रही है? हमारे लोगों की। वो गुंडा पूरे समाज को गाली लेके चला जाता है। मैं तो उनसे भी नाराज हूं जो रात के वहां उसको हाथ पैर तोड़ देते हुए, वो मां बहनों को गाली दे रहा था। मां बहनों का सम्मान के लिए तो कुछ भी कुर्बानी देनी पड़ जाए, देश की एकता रीति रही है। तो मैंने यहां की पुलिस को 48 घंटे का समय दिया था, 24 घंटे का समय बीत गया है। 11 फरवरी को एमपी के गड़ा गांव में एक शादी समारोह था, जहां पर दलित अपनी मन मर्जी के गाने बजा रहे थे, लेकिन धीरेंद्र कुमार शास्त्री के छोटे भाई शालिग्राम ने वहां घुसकर लोगों के साथ मारपीट की और उन्हें धमकाया और उन्हें कहा कि यहां बागेश्वर धाम का ही गाना बजेगा। इसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, लेकिन जब ये वीडियो वायरल हुआ तो बहुजन समाज की तरफ से जबरदस्त विरोध देखने को मिला। इस वीडियो के वायरल होने के बाद सभी नेताओं ने धीरेंद्र कुमार शास्त्री के साथ अपने सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं। जो नेता पहले उनके दरबार में हाजिरी लगाते थे, अब जब से ये मामला सामने आया है उनके दरबार में कोई झांकने भी नहीं जा रहा, चाहे वो कमलनाथ हो या फिर शिवराज सिंह चौहान जो कि बीजेपी सरकार के अगुवा हैं, मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अब कोई धीरेंद्र शास्त्री का साथ देता हुआ नजर नहीं आ रहा। प्रोफेसर दिलीप मंडल इस बारे में बात करते हुए कहते हैं कि दरअसल धीरेंद्र कुमार शास्त्री के साम्राज्य का अब अंत होने वाला है, क्योंकि उन्होंने बाबा साहब के वंशजों के साथ टक्कर ले ली है। यही वजह है कि अब धीरेंद्र कुमार शास्त्री के सुर बदल गए हैं। जो बाबा पहले हिंदू राष्ट्र को बनाने के लिए कांव कांव करता था, अब वो कह रहा है कि इस देश में संविधान है और हम गलत के साथ नहीं खड़े। सुनिए उन्होंने क्या कहा। अभी अभी सोशल मीडिया के द्वारा शालिग्राम जी का एक विषय हमारे संज्ञान में आया है। देखो हम गलत के साथ नहीं है, कानून निष्पक्षता और पारदर्शिता की गहराई से इसकी जांच करें। हम कतई गलत के साथ नहीं है और हर विषय को हमसे ना जोड़ा जाए। हम अपने मार्ग में सनातन हिंदुत्व और श्री बागेश्वर बालाजी की सेवा में अनवरत लगे हुए हैं, इसलिए कृपा करके हर विषय को हमसे ना जोड़ा जाए। इस देश में संविधान है और जो करेगा सुधरेगा, हम सत्य के साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धीरेंद्र कुमार शास्त्री के चेहरे पर आए इन भावों को आप देखकर समझ लीजिए कि अब उनकी हालत किस तरह से हो रही है। अब जल्द ही उनके भाई को गिरफ्तार किया जाएगा। ना सिर्फ बहुजन समाज के लोग इस बात से जाग जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे, बल्कि जो अपमान बहुजन समाज के साथ किया गया है उसके लिए भी लोग अब धीरेंद्र कुमार शास्त्री को कभी माफ नहीं करेंगे। भीम आर्मी ने इस पर ऐलान किया है कि वो मध्य प्रदेश में बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं जब तक धीरेंद्र कुमार शास्त्री के भाई को गिरफ्तार नहीं किया जाता। तो जल्द ही धीरेंद्र कुमार शास्त्री के भाई को सलाखों के पीछे सब लोग देखेंगे। इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर लिखें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ वीक।